बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से पहले जिनसे बाबा साहब अम्बेडकर को प्रेरणा मिली उनका नाम लेना चाहूँगा कि बहुजन मूवमेंट की शुरुआत 1848 से महात्मा फुले ने की थी। जब उन्होंने गुलामों को गुलामी की पहचान बताई और एक किताब गुलामगिरी लिख दी, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शूद्र समाज में शिक्षा ग्रहण की। वो माली समाज से आते थे, जो आज कुशवा समाज, शाक समाज, भगवान गौतम बुद्ध को अपनी बिरादरी का मानता है, वो भी ओबीसी समाज में पैदा हुए थे। भगवान गौतम बुद्ध जिन्होंने सबसे पहले बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बात कही थी। उसके बाद महात्मा फुले ने सत्यशोधक समाज बना करके 1848 में आंदोलन शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता महसूस की और उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरी के आने के कारण पहले व्यक्ति ने शिक्षा ग्रहण की और सबसे पहले उन्होंने अपनी बिना पढ़ी लिखी पत्नी को शिक्षा ग्रहण करवाई। सबसे पहली स्टूडेंट अगर कोई थी तो सावित्रीबाई फुले थी सूत्रों में, और सबसे पहला अगर कोई अध्यापक था सूत्रों में तो वो महात्मा फुले थे। और शिक्षा का आंदोलन आगे बढ़ाने में 26 जुलाई 1902 को, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता कोई उसका जिक्र कर रहे थे, छत्रपति साहू जी महाराज जो कोल्हापुर स्टेट के राजा थे, अभी मैं दौरे पे गया था उनका किला वगैरह और देख के आया हूँ बड़ौदा में उनका, और उधर कोल्हापुर में भी गया था, तो अभी 10 दिन के टूर से मैं भी देख करके आया था कौन कौन से स्थानों पर हमारे लोगों ने काम किए हैं। तो उन्होंने ये जो रिजर्वेशन की बात हम आज कर रहे हैं, रोस्टर की बात कर रहे हैं, ये पहला रिजर्वेशन 26 जुलाई 1902 को छत्रपति साहू जी महाराज ने अपने कोल्हापुर स्टेट में दिया था। तब उस समय देश के ब्राह्मणों ने, जिनका इस देश की नौकरियों पर, शासन और प्रशासन पर एकाधिकार था, उन्होंने ये हल्ला मचाया कि राजा पागल हो गया, छत्रपति साहू जी महाराज पागल हो गया। तो उन्होंने प्रमाणित करने के लिए एक प्रिंस काउंसिल ऑफ इंडिया की सभा बुलाई और सारे प्रिंस जो राजा थे उनको एक अस्पताल में ले गए। अस्पताल में ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि राजा लगता है पागल हो गया है, अस्पताल में ले जाना। और उन्होंने जो 100 घोड़े थे उनके सामने एक भरे हुए चने का दाने का बोरा खोल दिया और उन्होंने कहा कि ये घोड़े क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये घोड़े चने खा रहे हैं। तो मोटा घोड़ा चना खाया जा रहा था और जो कमजोर घोड़े थे उनको चना नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कि भाई खा तो रहे हैं, कौन से खा रहे हैं? बोले मजबूत घोड़े खा रहे हैं, कमजोर को चना नहीं मिल रहा। घुसने की कोशिश करता है तो लात मार देता। उन्होंने कहा कि इसी तरह से व्यवस्था चलती रही तो ये मेरे घोड़े सब बर्बाद हो जाएंगे, जो मोटे घोड़े हैं उनको ज्यादा चर्बी चढ़ जाएगी ज्यादा खाने के कारण, तो ये भी दौड़ के काम के नहीं रहेंगे, सवारी के काम के नहीं रहेंगे, और जो कमजोर हो जाएंगे वो भी मर जाएंगे, वो भी बीमार हो जाएंगे, वो भी हमारे काम के नहीं रहेंगे। इसलिए अपना अस्तबल को दुरुस्त रखने के लिए मुझे सबको बांध करके घोड़ों को 1-1 किलो अनाज खिलाना पड़ेगा, तो 100 घोड़े जो है दुरुस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। तो सभी प्रिंस लोगों ने कहा कि राजा तो बहुत बुद्धिमान है, ये पागल नहीं है, इसको तो पागल कर दिया गया है कि पागल है पागल। तो उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, यहां से रचना होती है सामाजिक न्याय के सिद्धांत की। छत्रपति साहू जी महाराज ने सबसे पहले सामाजिक न्याय के सिद्धांत की रचना करी
जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने फॉलो किया और अपने संविधान में ऐसे के ऐसे उसको उतार दिया। और उन्होंने एक नारा भी दिया, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो ये शिक्षित, संगठित और संघर्ष करने की जो बात है, इस बात को हमारे लोग बोलते तो हैं, नारे तो लगाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाए। ये जो आज का प्रोग्राम है अवैज्ञानिक, जो शब्द रखा गया है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अवैज्ञानिक, इसका मतलब ही यही है कि जागरूकता हासिल करो। तो जागरूकता किस चीज की हासिल करी? पढ़ाई लिखाई तो चलो बाबा साहब दे गए, बाबा साहब की मूर्ति पर माला चढ़ा दी, हमने नौकरी ले ली, नौकरी लेकर के अपने बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चे को नौकरी दिलवा दी। जो हमारे लाखों करोड़ों लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग छूट गए हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके लिए हमने पे बैक नहीं किया। उसके लिए काशीराम साहब ने एक फॉर्मूला दिया, पे बैक टू द सोसाइटी, जो तुमने बाबा साहब से लिया है उनका कर्ज जो है अदा करिए। उसके लिए उन्होंने पे बैक सोसाइटी के माध्यम से हम लोगों को तैयार किया, हम लोगों ने और लोगों को तैयार किया। उसके लिए जानने की जरूरत तो होती है, पहले विचार संगठित होता है, आज विचार की बात हो रही है, विचार के बाद में फिर व्यक्ति संगठित होते हैं, व्यक्ति संगठित होने के बाद में फिर वो मूवमेंट बनता है। बहुजन मूवमेंट बनाने के लिए वर्ग की जरूरत है, जाति की नहीं। लेकिन जागरूकता तो हासिल हुई, लेकिन जातियों ने कहा कि मेरी जाति का हिस्सा कम मिल जाए, तो दूसरी जात से टकराव पैदा कर दिया। जो ब्राह्मणवाद था कौन जिंदा है? जब जातियों में टकराव पैदा होगा तो जो अल्पजन लोग हैं वो आपके ऊपर राज करेंगे। जब आपके ऊपर संगठन जातियां इकट्ठी होंगी तो वर्ग बनेगा। रिलीजन क्या है? रिलीजन एक वर्ग है। तमाम जातियों को बना करके हिंदुत्व बना दिया, वो रिलीजन हो गया। जब मतलब अंग्रेजों से जाने से पहले लड़ाई दूसरी थी, अंग्रेजों के जाने से पहले लड़ाई जो रिलीजियस थी, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से ला करके अंग्रेज राज करता था। अंग्रेज के जाने के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो रिलीजन था, एक रिलीजन को तो निकाल दिया देश से बाहर, दूसरा रिलीजन जो रह गया, उस रिलीजन ने कास्टों के आधार पर टिकटों का वितरण करना शुरू कर दिया पॉलिटिकल पार्टी ने, और उसके आधार पर उनको जातियों को लड़ा करके एक विशेष कम्युनिटी ने जो अंग्रेजों का स्थान ले लिया भारत में, उसने राज करना शुरू कर दिया। और उस कम्युनिटी में सारे जुडिशरी में अपने लोग घुसेड़ दिए, उन्होंने सारे यूनिवर्सिटी में अपने लोग घुसेड़ दिए, उसने प्रशासन में सारे अपने लोग घुसेड़ दिए। अभी समय नहीं है, लेकिन डेटा में अगर बता दूंगा तो आपके पैरों के नीचे की जमीन निकल जाएगी। तो वो जो डेटा है उसके बारे में भी आपको जानकारी लेने की जरूरत है। तो जब हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए, तो उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ता बताया कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख लो तुम इस देश के एक दिन शासनकर्ता जमात बनोगे। लेकिन नहीं बन पाए शासनकर्ता जमात। आरक्षण की बात नहीं करी कहीं बाबा साहब ने, बाबा साहब ने कही शासनकर्ता जमात बनोगे। काशीराम साहब ने कहा कि शासनकर्ता बात बताई बाबा साहब, लेकिन हम बने कैसे? बनने के लिए वर्ग बनाना पड़ेगा। तो वो फॉर्मूला था हाउ टू चेंज कास्ट इन द क्लास, जातियों को वर्ग में कैसे बदला जाए ताकि आप जो है एक बड़े वर्ग का मुकाबला कर सकें। वर्ग से तो सत्ता आती है और जातियों से सत्ता जो है नहीं आती। जातियों से कास्ट सिस्टम जो है आपकी सत्ता को बाहर कर देगा, सत्ता से बाहर कर देगा, और वर्ग संघर्ष जो आपको जो सत्ता में लाएगा। संघर्ष कैसा? संघर्ष ऐसा नहीं है जैसा नेक्स्ट लाइट कर रहे मार दिया, तो वो जो गैर कानूनी संघर्ष है, वो असंवैधानिक संघर्ष है, उससे तो आप जेल में चले जाएंगे। उन्होंने रास्ता दिया लोकतंत्र, जो दद्दू प्रसाद साहब बता रहे थे कि जो वोटिंग राइट दिया है, उस वोटिंग राइट से आप स्ट्रगल करेंगे तो आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी, और सत्ता से आप बंटवारा जो कर रहे हैं सामाजिक न्याय का बंटवारा, जब छत्रपति साहू कर पाए, जब उनके हाथ में सत्ता थी, जब आपके हाथ में सत्ता आएगी तो आप जो बंटवारा कर सकते हैं सामाजिक न्याय लोगों को दे सकते हैं, और जिसका ज्यादा वोट है लोकतंत्र में उसके हाथ में सत्ता आएगी। तो जिसके पास ज्यादा वोट है उसके लिए अपना हजारों ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर के एक ऑर्गेनाइजेशन में या तो फेडरेशन बनाना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो आज जो चर्चा हो रही है वो इसी बात पर हो रही है कि जो हमारे विद्वान लोग हैं वो खाली डिमांड ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाए, खाली डिमांड ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो डिमांड तक सालों साल लड़ते रहेंगे, आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा।
ऐसे ही पड़े रहेंगे और वो राज कर रहा है, वो राज करता रहेगा और आप तो हम काम कर रहे हैं लेकिन रियल तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मैं बोलना भी चाह रहा था चूंकि इतने बोलने में कुछ होता नहीं है, जो अपनी बात को सही ढंग से समझा भी नहीं पाओ तो उसका जो रिजल्ट निकलता है। तो इससे ज्यादा जो है काम से ज्यादा, एक तो काम होता है क्या काम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन की जरूरत है कि एक्शन आप क्या कर रहे हैं। अगर थॉट, स्पीक एंड एक्शन, ये तीनों जब एक ग्रुप में नहीं चलेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए हमें रिजल्ट के लिए काम करना है और उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और ये मीटिंग इस तरह की चलती रहनी चाहिए ताकि हमको इनको ये निष्कर्ष पर पहुंचे। जय हिंद।